100% 15 से 20 दिन के भीतर भीतर आपका चैनल डाउन होगा। अब वो चैनल आपके हाथ में रहेगा कि आप उसको डाउन होने देते हैं या फिर खड़ा कर लेते हैं। गाइस क्या हुआ दोस्तों, आपके वीडियोस पर भी व्यूज डाउन हो गया। अभी तक बहुत अच्छा व्यूज आ रहा था, सब एरो ग्रीन जा रहे थे, अप जा रहे थे, हर एक वीडियो 1 अप जा रही थी, 1 नंबर पे जा रही थी। अब क्या हुआ, अचानक से एकदम से व्यूज डाउन हो गया। वीडियो भी उसी तरीके से डाल लो, टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन थंबनेल सही तरीके से काम कर रहे हो, रेगुलर वीडियो डाल लो, फिर भी व्यूज डाउन हो गया। क्या हुआ, क्या ऐसा यूट्यूब का एल्गो बदल गया या फिर क्या चैनल पर दिक्कत आ गई जिससे एकदम से चैनल डाउन हो गया। अभी तक हर एक वीडियोस पर 1 नंबर 1 पे वीडियो चलती थी, ग्रीन कलर का एरो रहता था, अब हर एक एरो डाउन हो गया है, सीटीआर डाउन हो गया है, व्यूज डाउन हो गया है, और बड़े बड़े यूट्यूबर्स लोग आपको इस टाइम पे आपका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार आपकी वीडियो का व्यूज क्यों डाउन हुआ है और उस व्यूज को किस तरीके से इंक्रीज करना है। बिकॉज इस प्रॉब्लम को मैं एक बार नहीं सैकड़ों बार फोर्स कर चुका हूँ, देख चुका हूँ, एक नहीं सैकड़ों बार। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि भाई ये यूट्यूब का एल्गो है, हर लास्ट मंथ चेंज होता है आखिरी में, तो इस वजह से व्यूज डाउन हो गया, ये तो सब कोई जानता है। लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम्स यूट्यूब आपके चैनल का व्यूज कब डाउन करता है, मेनली रीजन क्या होता है और उसको फिर से कैसे इंक्रीज करना है। देखिए आपके चैनल पर भी व्यूज नहीं डाउन होता है, मेरे चैनल पर भी डाउन होता है और बड़े बड़े यूट्यूबर्स के वीडियोस पर भी चैनल पर व्यूज डाउन होता है, लेकिन उसको बाद में इंक्रीज कर लेते हैं वो लोग, जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स लोग फिर से उसको इंक्रीज कर लेते हैं। लेकिन आपको वो तरीका, वो सच्चाई, वो हकीकत नहीं पता है जिस वजह से आपका दिन दिन व्यूज डाउन और चला जाता है। तो आपको किस तरीके से व्यूज इंक्रीज करना, उस बात को ध्यान से समझिए। सबसे पहले मैं आपको रीजन बताऊंगा कि किस रीजन की वजह से आपका व्यूज डाउन हुआ है, क्यों आपका व्यूज डाउन हुआ है। जब आपका सब कुछ सही, वीडियो साइज बना रहे हैं उसी तरीके से वीडियो बना रहे हैं, फिर भी व्यूज डाउन है, क्यों आखिरकार। कोई कोई तो यूट्यूबर्स तुमको बता रहा है कि YT स्टूडियो एप्लीकेशन से व्यूज डाउन हो गया। अरे यार चलिए अब यहां पर मैं आपको बताता हूं। चलिए यहां पर आप लोग देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ हकीकत दिखाऊंगा, सच्चाई दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, जब जब आपका यूट्यूब चैनल ग्रो करेगा एकदम से, या फिर ग्रो भी कर रहा है, मान लीजिए सब कुछ अप जा रहा है, नंबर 1 पे वीडियो जा रही है, नंबर 2 पे 3 पे जा रही है, तो 100% 15 से 20 दिन के भीतर भीतर आपका चैनल डाउन होगा। अब वो चैनल आपके हाथ में रहेगा कि आप उसको डाउन होने देते हैं या फिर खड़ा कर लेते हैं। कैसे, मैं आपको सिखाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं YT स्टूडियो एप्लीकेशन ओपन करता हूँ, देखिए ये ओपन हो रहा है। एंड यहाँ पर चलने के बाद सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, वीडियो को स्किप मत करिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। इस तरीके से YouTube पर तुमको YouTube की हकीकत और यूट्यूबर्स की हकीकत कोई नहीं बताता। सब कोई अपना ट्रिक, अपना लगाओ, ये वो, लेकिन जो खुद लगाते हैं उसको कोई नहीं सामने रखता, और जब तक वो नहीं सीखोगे तो कहाँ से यूट्यूब पर ग्रो करोगे। अब यहाँ पर आने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा ठीक है, ये यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड, ये ऑडियंस वाले सेक्शन पर मैं गया और ऑडियंस वाले सेक्शन पे आपको एक ये ऑप्शन देखने को मिलता है। चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रिटर्निंग व्यूअर्स आपको शायद से दिख रहा हो, रिटर्निंग व्यूअर्स, आप लोग अपने YT स्टूडियो पर जाना ऑडियंस वाले सेक्शन पे, रिटर्निंग व्यूअर्स। अभी इस रिटर्निंग व्यूअर्स का इस्तेमाल करके आप अपने चैनल पर फिर से व्यूज को इंक्रीज कर सकते हो। कैसे, बातों को समझना मेरी। देखिए दोस्तों, यूट्यूब जैसे आपके चैनल पर व्यूज डाउन करेगा, जैसे आपके चैनल पर अचानक से व्यूज डाउन होगा, तो वहां पर एक पॉइंट और होगा कि जो आपकी वीडियोस का CTR होता है, क्लिक थ्रू रेट आपकी वीडियो का, वो भी डाउन हो जाएगा। और जैसे वो डाउन होगा, एकदम से डाउन होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, थंबनेल भी उसी तरीके से बनाओगे लेकिन एकदम से CTR डाउन हो जाएगा, इस बात को लिख कर ले लीजिए। और जैसे CTR डाउन हो जाएगा वैसे व्यूज भी डाउन हो जाएगा। तो क्या रीजन है, मैं आपको समझाता हूँ। अब देखिए, जब जब आपके वीडियोस का व्यूज डाउन होगा तब तब आपकी वीडियोस का CTR भी डाउन होगा। लेकिन ये CTR क्यों डाउन होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये जो यहाँ पर रिटर्निंग व्यूअर्स और न्यू व्यूअर्स दिख रहा है, कुछ लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ, एक इसमें ब्लू कलर की लाइन है और एक आपको मिल जाती है पर्पल कलर की लाइन, ठीक है, पर्पल कलर की। तो ये जो ब्लू कलर की लाइन है, ठीक है, ये आपका है न्यू व्यूअर्स, यानी न्यू ऑडियंस। जब आपका चैनल ग्रो होता है, जब आपकी वीडियोस नंबर 1 में चलते हैं, जब आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी से मोटिवेट होकर वीडियो बनाते हो, एकदम से फाड़ देंगे, लेकिन जैसे ही चैनल डाउन होता है भाई खत्म, एनर्जी खत्म, गैप करने लगते हो, कंसिस्टेंसी को छोड़ देते हो। दूसरी की बात मैं क्या करूँ, मेरे साथ खुद होता है, ठीक है, तो समझिए बात को। तो ये जो न्यू व्यूअर्स हैं, जो नई ऑडियंस आपके चैनल पर आती है, ये रहती है आपका ब्लू कलर में, ठीक है, अगर आप नहीं जानते तो YT स्टूडियो पर जाके चेक कर लेना, ये आपका ब्लू कलर में हो गया, ठीक है। इसके बाद जो पर्पल कलर की लाइन है, जो कि आपका रहता है रिटर्निंग व्यूअर्स। अब न्यू व्यूअर्स का मतलब क्या है कि जब आपका चैनल एकदम से ग्रो करता है, जब आपके चैनल पर अच्छा खासा व्यूज आता है, यानी दोस्तों जब आपकी वीडियो का CTR भी अच्छा होता है और आपका व्यूज भी अच्छा खासा आता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपका व्यूज किस रीजन की वजह से डाउन होता है। देखो, जब जब आपका यूट्यूब चैनल ग्रो होता है तब तब आपके चैनल पर ये जो न्यू व्यूअर्स है, जो ब्लू कलर में लाइन है, ये न्यू व्यूअर्स YouTube आपके चैनल को देता है, आपके चैनल को प्रोवाइड करता है, आपके चैनल को देता है। अब किस
बाद जैसे व्यूज डाउन होता है वो आपको बताता हूँ। अब क्या करता है यूट्यूब, 10 से 15 दिन के बाद, जब 10-15 दिन हो जाता है आपका चैनल अच्छा खासा चल रहा होता है, तो एकदम से बता मैं आपको हकीकत बताऊँ क्या करता है यूट्यूब, आपके चैनल पर न्यू ऑडियंस को लाना बंद कर देता है एकदम से। न्यू ऑडियंस के पास आपका वीडियो भेजते नहीं है, और इसके बाद आपको अपने वीडियोस पर व्यूज लाने के लिए, व्यूज को अच्छा करने के लिए, जो रिटर्निंग ऑडियंस है, ये जो पर्पल कलर में है, जो रिटर्निंग ऑडियंस है, इसको इंक्रीज करना पड़ता है। और अगर आप रिटर्निंग व्यूअर्स को इंक्रीज करते हैं तो फिर से YouTube आपके चैनल को एकदम से बूस्ट कर देगा। लेकिन लोग यहीं पर फेल हो जाते हैं, क्योंकि आप लोगों को रिटर्निंग व्यूअर्स फिर से इंक्रीज करना आता ही नहीं है, और ना बड़े बड़े यूट्यूबर्स आपको बताएं, आप वहीं से डीमोटिवेट हो जाते हैं। जैसे ही न्यू व्यूअर्स को YouTube वीडियो भेजना बंद करता है तो आपके वीडियोस पर व्यूज डाउन हो जाते हैं, और जब व्यूज डाउन हो जाते हैं तो डे बाय डे रिटर्निंग ऑडियंस, जो आपकी पुरानी ऑडियंस है, वही आपकी वीडियोस को देखना बंद कर देती है। तो यूट्यूब नए लोगों के पास आपकी वीडियो को नहीं भेजता है, और आपसे ये काम करने को बोलता है कि जो आपकी पुरानी ऑडियंस है, जो आपके चैनल पर सब्सक्राइबर्स आ चुके हैं, उन्हीं से आप पहले व्यूज लाओ। वो लोग जब आपकी वीडियो को देखेंगे तब हम फिर से नई ऑडियंस के पास नए व्यूअर्स लाएंगे। लेकिन आप वहीं से फेल हो जाते हैं, क्योंकि आपके जो चैनल पर ऑडियंस रहती है, जो रिटर्निंग ऑडियंस रहती है, वही आपकी वीडियोस को नहीं देखती, या फिर आपके वीडियो को जो ऑडियंस, जो भी सब्सक्राइबर्स आपका, या फिर कोई भी बंदा आपकी वीडियो को देखा है, तो वो बंदा अगर आपकी वीडियो को दोबारा नहीं वॉच कर रहा है तो वो आपका रिटर्निंग ऑडियंस में नहीं आएगा। तो यूट्यूब के कहने का मतलब यही होता है कि आप जो लोग आपकी वीडियो को देख चुके हैं, जो न्यू ऑडियंस आपके चैनल पर आ चुकी है, उन्हीं को आप फिर से रिटर्न करके लाओ। और अगर आप रिटर्न कर ले गए, यानी आप अपने जो ऑडियंस है, जो सब्सक्राइब किया है, या फिर किसी भी वीडियो को, आपकी वीडियो को देखा है, तो वो हर एक वीडियो को वॉच करे। यूट्यूब का कहने का मतलब ये रहता है, आपके हर एक वीडियो को वो वॉच करे, आपके चैनल पर रिटर्न आए। तो अगर आप रिटर्न कर ले जाते हैं तो आपके चैनल पर फिर से व्यूज इंक्रीज होगा। लेकिन आप में से 90% लोग रिटर्निंग व्यूअर्स को नहीं इंक्रीज कर पाते, क्योंकि आप लोग दिमाग लगाने लगते हो कि भाई मेरे वीडियोज़ पर व्यूज़ नहीं आ रहा, डीमोटिवेट हो जाते हो और वहीं से काम करना बंद कर देते हो। लेकिन बड़े बड़े यूट्यूबर्स लोग अपना माइंड का दिमाग लगा के अपने वीडियोस पर व्यूज को फिर से इंक्रीज करते। कैसे, बात को समझिए। अब जब जब बड़े बड़े यूट्यूबर्स के वीडियोस पर व्यूज डाउन होगा, तब तब आपने देखा होगा कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स लोग कुछ अलग टाइप का, कुछ अलग तरीके का वीडियो बना देते हैं, थंबनेल पर कुछ भी लगा देते हैं, या फिर कुछ ऐसा वीडियो बनाते हैं, जैसे कि मैंने अभी कुछ दिन पहले बनाया था। चलिए यहाँ पर मैं चलता हूँ वाइट स्टूडियो एप्लीकेशन पर, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से रिटर्निंग व्यूअर्स को घसीटा जाता है। रिटर्निंग व्यूअर्स का मतलब आपको पता होना चाहिए, तब मेरी बातें आपको समझ में आएगी। रिटर्निंग व्यूअर्स का मतलब, जैसे आपके एक भी वीडियो का कोई, मान लीजिए एक वीडियो पर 1,00,000 व्यूज आ गया, तो उससे न्यू ऑडियंस आ गया, 1,00,000 नए लोग आपकी वीडियो को देख लिए। लेकिन क्या हर एक वीडियो पर 1,00,000 व्यूज आएगा? नहीं ना आएगा। जब वही ऑडियंस फिर से आपकी हर एक वीडियो को देखेगी तब तो 1,00,000 व्यूज आएगा, तो उसी को बोलते हैं रिटर्निंग ऑडियंस। यानी जब एक बार नए लोग कोई आपकी वीडियो को देखे तो हर एक वीडियो को आपका हर एक वीडियो को वो लोग देखे तो उसी को बोलते हैं रिटर्निंग ऑडियंस। अब रिटर्निंग ऑडियंस को देखिए कैसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स लोग खींचते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए मेरे वीडियोस पर व्यूज पूरा डाउन था, यहाँ पर देखिए डाउन था, आप लोग जानते हैं यहाँ पर मैं 1 महीने पहले ओपन किया, डाउन था। अब यहाँ पर देखिए एक वीडियो मैंने डाला था, ये हमारा मोनेटाइजेशन डिसेबल हो गया, इस पर थंबनेल क्या है, वीडियो क्या है, वीडियो को किस तरीके से मैंने बनाया, क्या फालतू तरीका लगा है। इस तरीके से बड़े बड़े यूट्यूबर्स लोग फिर से ऑडियंस को रिटर्न करते हैं। अब ये वीडियो किसी के पास गया, देखिए अभी भी इसका CTR, देखिए CTR आपका, क्योंकि CTR ही डाउन होता है ना जब व्यूज डाउन होता है। देखिए अभी कितना दिन हो गया अपलोड किया है, 22 दिन हो गया, CTR कितना है, 8.9%। क्यों? क्योंकि ये इस तरीके से वीडियो ही क्रिएट किया गया है कि इसका CTR इंक्रीज हो। अब CTR पर मैंने गेम खेला, CTR को इंक्रीज किया तो व्यूज भी आया, तो इस जगह से ऑडियंस रिटर्न आई। यानी जो भी लोग मेरे वीडियो को कभी भी देखे होंगे तो उनके पास ये वीडियो जाएगा तो वो तुरंत इस वीडियो पर क्लिक करेंगे, क्योंकि यार इसमें मोनेटाइजेशन डिसेबल हो गया, बंदा रो रहा है, ये वो, तो इस वजह से मेरे चैनल पर रिटर्निंग ऑडियंस आई। तो अगर आप इस तरीके से रिटर्निंग ऑडियंस को बार बार अपनी वीडियोस पर ले जाते हैं तो यूट्यूब फिर से आपके चैनल को बूस्ट कर देगा, फिर से नई ऑडियंस के पास भेजेगा और फिर से आपकी वीडियोस पर और अच्छा खासा व्यूज आएगा। तो अब यहाँ पर आपके ऊपर डिपेंड, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप भी बनाइए वीडियो कि मेरा मोनेटाइजेशन डिसेबल हो गया, लेकिन आप अपने चैनल के अकॉर्डिंग अपने ऑडियंस को किस तरीके से खींचना, ये आपसे अलावा, आपके अलावा कोई भली बात नहीं जानता, क्योंकि आपका चैनल, आप उस पर काम करते हैं। जब जब मेरा चैनल डाउन हुआ तब तब मैंने रिटर्निंग ऑडियंस को खींचा है। अब देखिए यहाँ पर भी मैं वही काम कर रहा हूँ, रिटर्निंग ऑडियंस को खींच रहा हूँ, ये देखिए ये सब्सक्राइबर्स वाला वीडियो डाल के, और यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये एक वीडियो से इतना कमाया, ये सारा कुछ गेम रहता है रिटर्निंग ऑडियंस को खींचने के लिए। बड़े बड़े यूट्यूबर्स लोग फॉलो करते हैं लेकिन आपको हकीकत कोई नहीं बताता। अगर आप इस तरीके से काम करोगे कभी व्यूज डाउन ही नहीं होगा। मैं नहीं कह रहा कि भाई ये ट्रिक लगा लो तो आपका व्यूज कभी लाखों में आएगा, कभी मिलियंस, ऐसा नहीं है।
व्यूज यूट्यूब पर सबका होता है डाउन, क्योंकि यूट्यूब एल्गो इसी तरीके से काम करता है। लेकिन अब आपको किस तरीके से इंक्रीज करना है, किस तरीके से यूट्यूब के साथ चलना है, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये वीडियो डाला, माफ करो, अब मैं वीडियो नहीं डालूंगा। इसका थंबनेल क्यों ऐसा रखा, क्योंकि रिटर्निंग ऑडियंस खींचना है। अब इसमें कई सारा वीडियो चल जाता है, कई सारे वीडियो में रिटर्निंग ऑडियंस आ जाता है, कई सारी वीडियोज पर नहीं आता है, और यूट्यूब यही देखता है। अगर आप बार बार अपने चैनल पर रिटर्निंग ऑडियंस को लेकर आ रहे हैं तो यूट्यूब आपके चैनल को फिर से प्रमोट करेगा, फिर से बूस्ट करेगा और आपकी वीडियोज पर व्यूज आएगा। और ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स लोग फॉलो करते हैं, चाहे कोई भी यूट्यूबर्स, आपने देखा होगा जब जब व्यूज डाउन हुआ है तब तक हर एक बड़ा से बड़ा यूट्यूबर्स ऐसा ऐसा टॉपिक पर वीडियो बनाया है जिससे उसका कोई भी ऑडियंस, जो भी उसके वीडियो को कभी भी वॉच किया हो, तो उस वीडियो को जरूर वॉच करें, क्योंकि रिटर्निंग ऑडियंस को खींच रहे हैं। और अगर आप रिटर्निंग ऑडियंस को खींच रहे हैं तो व्यूज पहली बात तो वहीं से आएगा, दूसरा बात यूट्यूब भी आपकी वीडियोस को प्रमोट करेगा। तो ये तरीका होता है, और इस तरीके से आप अगर काम करते हैं तो आपकी वीडियोस पर व्यूज नहीं डाउन होगा। बाकी इसके अलावा कई सारी चीजें, जैसे यूट्यूब का एल्गो चेंज होता है, और भी कई सारी चीजें कि आप अपने कंटेंट पर ध्यान नहीं देते हो, थंबनेल सही नहीं लगाते हो, एसईओ सही नहीं करते हो, ये सारी चीजें तो मैटर ही करते हैं। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट काम था, जो कि हर एक यूट्यूबर्स के साथ होता है, चाहे आप जितना अच्छे तरीके से काम करो, जो कि आपको फॉलो ही करना पड़ेगा। तो ये था, बाकी आई होप आपको ये तरीका पसंद आया हो, या फिर आपका जो क्वेश्चन था, जो डाउट था, वो क्लियर हो गया होगा। और मेरे दोस्तों वीडियो पसंद आई हो, अगर आपका कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, तो कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना, एंड मेरे चैनल को अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज अपना छोटा मैसेज चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, किसी अगले टॉपिक से, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।